ऑलराइट गाइस, मैंने आपको सबसे सस्ता रिफर्बिश्ड मैकबुक दिखाया था 12,000 रुपए का, जो मैं सुपर सेल से बाय किया था, और आप लोगों ने हर बार की तरह उस वीडियो पे भी काफी ज्यादा प्यार दिखाया। लेकिन आपको पता होगा उसका सबसे बड़ा इशू था उसका बैटरी, जो खराब था, और आप लोगों ने कमेंट में सबसे ज्यादा यही बोला है उसका बैटरी रिप्लेस करो और फिर उसका रिव्यू आप दो। तो गाइस वो टाइम आ गया है और मैंने उस मैकबुक का बैटरी भी रिप्लेस करके 10 दिन से यूज भी कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँ। गाइस मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक या तो मैं अपने तरीकों से इसका रिव्यू करूँ, और दूसरा ये कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है ये मैं आपसे पूछ लूँ। तो गाइस मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्ट करना चाहिए इस मैकबुक में, और कोडिंग के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टेस्टिंग करना चाहिए, और थर्ड था अदर्स। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये मुझसे पूछा है कि सी इज द मदर ऑफ एवरी लैंग्वेज एंड ऑलवेज ट्राई टू सी एज द फर्स्ट चॉइस, यानी कि प्रोग्रामिंग में आप सी लैंग्वेज ट्राई करो यूज करने का। एंड सेकेंड सबसे ज्यादा ये था कि पाइथन लैंग्वेज, और यहाँ पे थर्ड जो सॉफ्टवेयर वाली बात मैंने किया था, यहाँ पे PR बोल रहे हैं, कोई फोटोशॉप बोल रहे हैं, कोई आदमी तो यहाँ पे भाई साहब GTA 5 भी बोल दिया है कि गेम खेल कर दिखाओ। क्यों बच्चे को जान लेने पे तुले हो यार? एक तो ये भी पूछ दिए ब्लेंडर यूज करो। क्या चाहते हो, मैं इसे सुपर कंप्यूटर घोषित कर दूं? आप ही बताओ। तो देखो जितना पॉसिबल है मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट का यहाँ पे सारा सोल्यूशन मिल जाए। गाइस इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराना चाहता हूँ, जो न्यू व्यूवर है वो इस वीडियो को समझ पाए, नहीं तो उनके ऊपर से चला जाएगा सारा चीज। तो देखो मुझे बाय करना था एक सस्ता रिफर्बिश्ड मैकबुक, तो मैं ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे मिला ये मैकबुक जो 12,000 में आई थिंक काफी अच्छा था, तो मैंने इसे बाय कर लिया। गाइस जब ये मेरे पास आया तो इसका जो कंडीशन मैं देख रहा था, मतलब गंदा तो था, लेकिन जैसे ही क्लीन किया भाई साहब मस्त चकाचक दिखने लगा, और कहीं पर भी कोई स्क्रैच या डेंट मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ एक जगह माइनर सा स्क्रैच था, और वो भी जब मैं अब जाकर क्लीन किया हूँ तो वो भी ख़त्म हो गया है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे मुझे नया देखने को मिल रहा था। हाँ नया नहीं था, मतलब पुराना था, लेकिन अच्छा दिख रहा था। प्रॉपर वैसे यहाँ पे सारा बटन वगैरह काम कर रहा था कीबोर्ड का, इसका ट्रैकपैड भी प्रॉपर वर्किंग था, वेबकैम भी सही तरीके से काम कर रहा था, पोर्ट्स वगैरह भी प्रॉपर था, चार्जिंग वगैरह भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे पास चार्जर नहीं था, इसके साथ चार्जर नहीं आता है, तो मुझे मिला नहीं था, और इसे चार्ज करने के लिए बाद में चार्जर ऑर्डर किया, तो ये भी काम कर रहा था। यहाँ पे गाइस सभी तरह से ये जो मैकबुक था अच्छा था, बस प्रॉब्लम एक थी इसका बैटरी। तो जैसे ही मेरे पास चार्जर आ गया था तो मैं चार्जर से इसे यूज कर रहा था, लेकिन मुझे याद आया आप लोग का कमेंट, तो देखा मैं तो आप लोग बोलते हो इसका बैटरी रिप्लेस करके वीडियो बनाओ। तो गाइस टाइम आ गया है सबसे पहले बैटरी के बारे में बात करना। तो देखो तो गाइस बैटरी रिप्लेस करना बहुत ईजी है, जस्ट आपको मैकबुक को शट डाउन करना है, बैक साइड में 10 स्क्रू है, इसे निकालो, बैटरी जो इसमें लगा हुआ है इसे डिटैच करो। यहाँ से डिटैच करने के बाद आप यहाँ पे दोनों बैटरी साइड बाई साइड देखो, यहाँ पे 6 सेल लगा हुआ है और इसमें 4 सेल है, और यहाँ पे जो कैपेसिटी है पुराने वाले बैटरी का ये 5100 mAh का है, और टोटल वाटर 38.75 है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये सभी सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे 11.47 वाटर है, और ये 3100 mAh का बैटरी है, फर्स्ट और लास्ट सेम स्पेक्स के साथ है, और मिड वाला जो है ये है यहाँ पे आप देख सकते हो 6.66 वाटर, और ये 1800 mAh का बैटरी है दोनों। तो टोटल कैपेसिटी न्यू वाले बैटरी का 9800 mAh है। नया वाला बैटरी फिर से अटैच करके स्क्रू टाइट कर दो और पावर ऑन करके आपका बैटरी रिप्लेस सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके अब गाइस बात करते हैं इसके बैकअप का। तो देखो यहाँ पे जो चार्जर है, ये चार्जर मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से 1700 में, 45 वाट का चार्जर है। इससे इस मैकबुक को चार्ज होने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। जब ये फुल चार्ज हो गया तो मैं इसे लगातार यूज किया। तो गाइस सबसे पहले मैं यूट्यूब पे 4K वीडियो प्ले करके छोड़ दिया, 2 घंटा 5 मिनट में इसका बैटरी ड्रेन हो जाता है, 2-4% बचा था, तो इतना बैटरी इसका चल जाता है वीडियो पे। अब गाइस ब्राउजिंग पे इसका बैटरी देखा तो मुझे यहाँ पे 6 घंटे तक का बैकअप देखने को मिला, जो अपने आप में सच में बहुत ही ज्यादा है। अब गाइस बात करूं यहाँ पे सॉफ्टवेयर रन करने के बाद का बैटरी लाइफ, अब गाइस इसमें एडिटिंग करने के लिए मैं फिल्मोरा यूज किया था, लगभग मुझे 1.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल गया। मुझे लगता है ठीक है, मतलब 1.5 घंटा आपको बिना चार्ज किए आप फिल्मोरा में एडिटिंग कर सकते हो, तो मुझे ये बैटरी लाइफ यहाँ पे देखने को मिला है, और मैं बोलना चाहूँगा यहाँ बैटरी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। अब गाइस बात आती है परफॉर्मेंस का। तो देखो ये जो लैपटॉप है ये इंटेल i5 8GB 256GB स्टोरेज वाला है,
और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा आप लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कमेंट सेक्शन में पूछकर। ये सॉफ्टवेयर आप रन करो और फिर मुझे आप बताओ। लेकिन एक चीज है, आप इसे चाहो तो नॉर्मल यूज आराम से कर सकते हो, जैसे आपको ब्राउजिंग वगैरह करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, मल्टीपल टैब ओपन करना है, तो आप इजिली कर सकते हो, आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब बारी आती है यहाँ पे आप लोग का कमेंट का, इसमें कुछ इसके ऊपर का सॉफ्टवेयर रन करके दिखाओ, यानी कि PR, फोटोशॉप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी हो गया, पाइथन हो गया, ये सब रन करके दिखाओ। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले प्रीमियर प्रो रन करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि प्रीमियर प्रो कितना देर में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें सैंपल मैंने एक बनाया रखा है, एक 1080p वीडियो है मेरे पास। इसे टाइमलाइन में लाकर देखते हैं और यहाँ पर देखो चक्री नचना शुरू हो गया है इसका, लग रहा है इसका टाटा फिक्स होने वाला है। ओके तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये आप देख सकते हो 1080p प्रोजेक्ट है, ये अभी लोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय देना होगा, या लोड हो गया है। मैं काफी दिन से एक चीज सर्च, यानी डायरेक्ट 1080p वीडियो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो ये तो चल रहा है, कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर जैसे कुछ चीज ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं, लाइक तो यहाँ पर सबसे पहले कट करके देखते हैं। आप नोटिस करोगे कट जब मैं कर रहा हूँ उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे कट हो रहा है, ये देखो अब कट हुआ, यानी कि लगभग 1 सेकंड बाद आप कट कर सकते हो। इसके बाद चलो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लेते हैं, सिंपल लिख रहा हूँ मैं। ओके ये देखो गाइस यहाँ पे अगर टेक्स्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ तो आपको लैग देखने को मिल रहा होगा। तो प्रीमियर प्रो तो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे चल रहा है, जैसे लग रहा है कि इसे मैं घसीट रहा हूँ, इसमें ऐसा लग रहा है। ये तो जस्ट मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी ट्रांजिशन वगैरह ऐड किया तो पूरी तरह से ये तो अटक ही जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे ये 1/4 पे प्लेबैक रेजोल्यूशन है, एंड आप देखो अब ये लैग होना शुरू कर दिया है। 10,000-15,000 के पीसी थे, छोटा तो था लेकिन महंगा था, लेकिन छोटा और सस्ता पीसी जो मुझे मिल नहीं रहा। गाइस जो ट्रांजिशन मैं लगाया हूँ ये तो दिख ही नहीं रहा है। गाइस यहाँ पे एक्चुअल आप देख सकते हो प्रीमियर प्रो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे रन हो रहा है, ऐसा मानो आप इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर से। आपको इससे अच्छा है कि आप फाइनल कट प्रो यूज करो जो इसके साथ आता है, या नहीं तो फिल्मोरा में आप 720p या 1080p वीडियो एडिट कर सकते हो। ओके तो गाइस यहाँ फोटोशॉप ऑन हो गया है, अब एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो चलो 1280x720p का एक है यहाँ पे, क्रिएट। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैक कर दे रहा है, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, एज यू कैन सी ये बैक कर दे रहा है बार बार। तो गाइस यहाँ पे मुझे कोई फाइल ओपन करके यहाँ पे साजिश करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना ही नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों, बट यही चल रहा है। ओके गाइस फोटोशॉप में जैसा आप देख सकते हो नॉर्मल जो टास्क होता है ये आप कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे हेवी टास्क शुरू किया करना, बस इसका हालत ख़राब होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग पे चला गया है और ये काफ़ी ज़्यादा समय लगाने वाला है। तो आप मतलब थोड़ा बहुत काम अगर करना चाहते हो फोटोशॉप में तो ये आपको करा देगा, बट जैसे ही इस पर थोड़ा हेवी टास्क करना शुरू कर रहा हूँ इसका हवा फुस होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये इतना कैपेबल है ही नहीं। तो गाइस सबसे पहले जो प्रोग्राम करने वाले ये सी लैंग्वेज में, काफ़ी सिंपल सा यहाँ प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। मैं सी कंपाइलर में कर रहा हूँ और रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड का। तो कंपाइलर में तो इजीली प्रोग्राम हो जा रहा है, कोई दिक्कत देखने को तो मुझे नहीं मिला है। तो गाइस सेकेंड जो प्रोग्राम है ये एडिशन का है, अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो सिंपली इसमें आप कर सकते हो, लाइक 20, 30, यहाँ पे आप देख सकते हो 50 आ गया है। तो ये जो कोड है ये लिखकर आप यहाँ पे एडिशन वगैरह कर सकते हो। सिंपली मैं ऑनलाइन कंपाइलर में कर रहा हूँ, आप ये चाहो तो और जगह भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके अब गाइस यहाँ पे C++ में आते हैं। अब गाइस C++ में यहाँ पे एडिशन का सेम यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे 498 और B यहाँ पे 50 है, सम करने पे 548 आ रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी इनपुट डालोगे, लाइक 40, 50 करोगे तो यहाँ पे सेम आ जा रहा है,
और रन भी अच्छे तरीके से कर रहा है, तो बेसिक सा प्रोग्रामिंग आराम से आप इसमें कर सकते हो ऑनलाइन कंपाइलर की हेल्प से। अब बात करते हैं पाइथन का, तो देखो पाइथन के लिए मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है आइडियली, एंड यहाँ पे कोड लिखने के बाद गाइस कुछ इस तरह से मुझे लैग देखने को मिल रहा है। जैसा आप देख सकते हो, जैसे मैं माउस का कर्सर ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लैग देखने को मिल रहा होगा। अल्टीमेटली गाइस यहाँ पे अगर आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हो इस लैपटॉप में तो आपको लैग वगैरह देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा जस्ट आप नॉर्मल प्रोस्पेक्टिव से इसे आप देख सकते हो, अगर आप इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसे गाइस मैं यहाँ पे प्रो नहीं हूँ कोडिंग वगैरह में, सो आप देख लो कुछ इस तरह से सारा चीज़ आप कर सकते हो। तो फाइनली गाइस बात करूं मुद्दे की, क्या आपको ये लैपटॉप बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो सेम लैपटॉप आपको मिलने वाला है नहीं, मेरा मतलब ये है कि मेरे साथ तो बस बैटरी का प्रॉब्लम था, हो सकता है आप में डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो, रिफर्बिश्ड में कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसा तो मेंशन किया गया रहता है ग्रेड वगैरह, तो आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे बैटरी का इशू देखने को मिला। तो बैटरी का इशू तो चलो कम खर्चा वाला था, अगर डिस्प्ले का इशू होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस लैपटॉप की तरफ नहीं जाओ तो ज़्यादा बेटर है। अभी सेम टाइम पे एक लैपटॉप लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स का, ये लैपटॉप जो मैं अभी अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहा हूँ, और लिटरली बताऊँ ये अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। 15.6 इंच का डिस्प्ले है, मस्त फुल HD आप देख सकते हो वीडियो, और कीबोर्ड में आपको बैकलाइट भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी से चार्ज होता है, वेबकैम में आपको डुअल LED फ्लैश लाइट है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। हाँ, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मतलब आपका सारा काम डे टू डे लाइफ का करा देगा। अब परफॉर्मेंस को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैक का जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, जो इसका UI होता है, ये थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है एज कम्पेयर टू विंडोज़। और गाइस आपको अंडर 30,000 के भी कुछ लैपटॉप का लिंक देखने को मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हो। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।